उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है क्योंकि हापुड़ और मुगलसराय पर डाक से आया एक धमकी भरा पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि प्रमुख रेलवे स्टेशनों के साथ मंदिरों को भी उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद हापुड़, लखनऊ, कानपुर, खुर्जा, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, टुंडला जैसे रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर चेकिंग अभियान भी तेज कर दिया गया है। हर आने जाने वाले व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है। एक तरफ जहां दीपावली का त्यौहार नजदीक है और इसीलिए त्यौहार से ठीक पहले ही आतंकी धमकी के चलते अलर्ट घोषित किया गया है। सभी जिलों के पुलिस प्रभारियों और कमिश्नरेट को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे स्टेशनों पर बम डिस्पोजल डॉग स्क्वाड की टीम भी लगा दी गई है। हापुड़ स्टेशन के स्टेशन मास्टर को कोई एक पत्र मिला है जिसमें स्टेशनों पे क्षति पहुंचाने की या उनको बम से उड़ाने की इस तरह की धमकियां हैं, उसके मद्देनज़र भी हम लोगों ने किया है। हालांकि उस पत्र की अभी कोई बहुत ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई असामाजिक तत्व से ने भी ऐसा किया होगा, लेकिन हम लोग पूरी सावधानी बरत रहे हैं, उसको हल्के में नहीं ले रहे हैं, पूरी सावधानी बरत रहे हैं और डाग स्क्वाड और GRP और RPF स्क्वाड मिलकर पूरी चेकिंग स्टेशन में कर रहे हैं और दीपावली के बाद तक भी ये चेकिंग जारी रहेगी। ये हापुड़ के स्टेशन मास्टर को प्राप्त हुआ है और कोई संगठन है, किसी ने अपना कुछ नाम लिखा है, कहा नहीं जा सकता है कि सही है या गलत है, लेकिन हम लोग अपनी सावधानी बरत रहे हैं। उसमें 6-7 स्टेशनों के नाम हैं, लेकिन सतर्कता पूरे रेलवे में बरती जा रही है। हमारे ADG रेलवे महोदय ने पत्र जारी किया है कि पूरे रेलवे अनुभाग में इसकी सतर्कता बरती जाए, तो पूरा रेलवे इसमें सतर्कता बरत रहा है, हर बड़ा स्टेशन में सतर्कता बरती जा रही है।